प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं शायद, हीरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर हैं, हीरेन जोशी जी हैं एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो। केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे, आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर दो, कर हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना कर, क्या धमकियां दे रहे हैं वो। ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे, फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हीरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आप इन शॉर्ट जो जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रखी है आपकी, अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना। आम आदमी पार्टी ने 18 सितंबर को आप जनप्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर कई सारे आरोप लगाए थे। उनमें से एक बहुत बड़ा जो आरोप उन्होंने लगाया वह है पीएमओ में काम करने वाले मीडिया सलाहकार हीरेन जोशी पर। हीरेन जोशी पर उन्होंने आरोप लगाया कि हीरेन जोशी बड़े बड़े मीडिया एडिटर पत्रकारों को धमकाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि आप आम आदमी की खबरें ना दिखाइए, पीएम मोदी के खिलाफ खबरें ना दिखाइए, आम आदमी पार्टी को कवर मत करिए। यानी बड़े बड़े जो नेशनल टेलीविजन चैनल हैं उनको सिर्फ एक ही खबर दिखानी है, सिर्फ मोदी के बारे में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि हीरेन जोशी जो मीडिया सलाहकार हैं मोदी के, वो धमकाते हैं, बड़े बड़े चैनल को कहते हैं कि आप किसी दूसरी पार्टी की न्यूज मत दिखाइए, आम आदमी पार्टी को कवर मत करिए। वहीं आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से, हीरेन जोशी की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। अगर आता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर इसका दूसरा एंगल देखें कि अगर इसका रिप्लाई नहीं आता है तो इसका मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो सही है, यानी हीरेन जोशी धमकाते हैं पत्रकारों को, तो ये खबर सही होगी अगर हीरेन जोशी और भाजपा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। वहीं कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी तो जैसे ही हीरेन जोशी का नाम आता है तो आज तक चैनल से उसकी जो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको हटा लिया जाता है, तो हमें ये देखने को मिलता है। भाई आपको और अगर इससे कोरिलेट करनी है चीज़ें तो आप देखेंगे कि कई बार कई सारे चैनल पर सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट चल रही होती है, यानी एक ही खबर हर चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप अगर आप देखेंगे तो जो मीडिया है कैप्चर कर चुकी है कुछ हद तक, ये मैं नहीं कर रहा, ये फैक्चुअल चीज़ें निकल के आ रही हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि एक से ही स्क्रिप्ट हर नेशनल टेलीविजन पर आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही और पॉलिटिकल मुद्दों पर खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।